हेलो दोस्तों, जाबे ट्रैक्टर वर्क्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनालिका DI 50 RX। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम खेत में आए हैं किसान भाई के। इस ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, अगर कोई भी गियर डाल देते हैं तो ट्रैक्टर यानी बहुत देर के बाद मौसम पकड़ता है, यानी गियर 4 नंबर का अगर लगा दें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा वजह है, लास्ट तक वीडियो वॉच करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी आपको हम दिखाएँगे ट्रैक्टर स्टार्ट करके कि कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा है। अभी चलिए दिखाते हैं। वैसे भी यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अभी हम चाबी लगाकर आपको दिखाएंगे गियर लगाकर कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे भी गियर लगाएंगे हम और ये वाला गियर डालेंगे 1 नंबर का। अभी आप देखना दोस्तों, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ेगा कर छोड़ने के बाद में। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बहुत स्लो स्लो से चलेगा। देखिए अभी डोल ही नहीं रहा है, ये चक्का जो है डोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी गियर लगा हुआ है और यहाँ पे भी गियर लगा हुआ है। बहुत मज़े चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्लो से अब जाके चल रहा है। बहुत देर के बाद मौसम पकड़ता है दोस्तों। अभी आपके सामने दूसरा गियर लगाएंगे 4 नंबर का। यहाँ पे आप देखिए अभी डोलेगा नहीं पूरा गाड़ी। देखिए अब आपको क्लच छोड़ेंगे हम। यहाँ पर हमने क्लच छोड़ दिया दोस्तों, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी गियर लगा हुआ, यहाँ पर ट्रैक्टर इंजन चालू है। यहाँ पे आप देखिए ये चल नहीं रहा है। अभी हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे तो जाएगा। बहुत स्लो स्लो चल रहा है दोस्तों ये, अब जाके चला। दोस्तों इसका कौन सा प्रॉब्लम, लास्ट तक वीडियो वॉच करना। अभी हम इसको न्यूट्रल करते हैं और इसका वजह दोस्तों इसमें, अभी इसको हम बंद कर देते हैं ट्रैक्टर को। तो आपको हमने दिखा दिया, तो इसमें पीले नहीं है दोस्तों, जो कलच है इसका, इसमें पहले एकदम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए इसका क्लच प्लेट जो है स्लिप मार रहा है। तो इसको भी हमें कैसे सेट करना है, यानी सही करना है, अभी आपके सामने भी सेट करेंगे। लारिंचिया तो देखिए दोस्तों, इसमें पीले होना चाहिए, बिल्कुल भी पीले नहीं है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर का बोल्ट लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ढील करना है हमको और इसमें पीले करना है पैंडल में। तो इस तरीके से खोलना है इसको। इसका क्लच प्लेट जो है स्लिप कर रहा था, इसीलिए ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमने ढील कर दिया। अभी थोड़ा सा भाव हुआ है, थोड़ा सा और करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हो गया। इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले आप देखेंगे दोस्तों, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ता था। अभी आपको स्टार्ट करके हम दिखाते हैं। इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाबी लगा दिया है दोस्तों हम। अभी ये वाला गियर डालते हैं और ये वाला बैक गियर लगाएंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर ठीक हो चुका है। केवल इतना प्रॉब्लम था इसमें, पीले ख़त्म हो गया था, किसान भाई नहीं सही कह पा रहे थे कहीं तार से। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गियर लगाएंगे और ये यहाँ पे देखिए हमारा ट्रैक्टर चलने लगा। ये क्लच प्लेट स्लिप कर रहा था, देखो 4 नंबर लगाएंगे इसमें। यहाँ पे आप देखिए अब हमारा ट्रैक्टर ठीक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।